अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। अब्दुल्ला भाई, आपकी बहुत सी वीडियो लगाई हैं, लोग बहुत परेशान हैं, उनका जीवन सेल नहीं हो रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए मोहतरम भाई, सील जो है ना, ये बिकता है प्रॉपर सील वालों का। आम आदमी की इतनी रसाई नहीं होती कि वो अपनी क्राप को बतौर सील बेच दे। हमारा किसान पहले भी अपनी तमाम चीज़ें मंडी में सेल करता है। यहाँ भी यह हुआ है जीवन के साथ के लोगों को यह कहा गया था कि आप बतौर सील सेल करेंगे। सील आज भी सेल हुआ है। मैं कल एक बहुत बड़े वेयर हाउस में गया हूँ, देख के आया हूँ, पाकिस्तान में नाम और कंपनी का था, सील का काम करते हैं। आप अंदाज़ा करें, दो वेयर हाउस थे और उनका जो हुजम था एक एक एकड़ था। कल उनके अंदर एक दाना भी नहीं पड़ा था। और ये मैं बात आपको अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये गैर मुनासिब बातें हैं। उनका कैसे बिक गया है? इसलिए कि उनका प्रॉपर सील का काम है, उनका बिका है। लेकिन दूसरी साइड पे किसानों का 200-300 किलो जिनके पास पड़ा था वो भी नहीं बिका, उनको गलत गाइड किया गया था। आज मैं उनको मशवरा दूंगा कि आपको पहले भी ये सोचना चाहिए था कि आपकी तो इतनी रसाई नहीं। सील बेचना सील वालों का काम है, मेरी हर वीडियो में इस बात का जिक्र है। आप ये माइंड रखें कि आपने मेरे से भी जिन लोगों ने सील लिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि ये कहाँ जाएगा, मैंने कहा मंडी में जाएगा। आप ये जहन रखें, मंडी में जा रहे हैं, मंडी में आज ले लीजिए कल ले लीजिए, जाना मंडी में ही है, आपसे मंडी में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। हाँ, एक मैं ज़रूर मशवरा आपको दूंगा कि जितना महंगा आपने सीड लिया था, अब अगर आप इसको मंडी में बेच दें तो आपको नुकसान है। और ये आज की वीडियो समझ लीजिए वाली ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए है जिन्होंने पिछले साल लगाया था और उनका सीड सेल नहीं हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा 15,000 पर केजी लेने के बाद उनका बहुत ज़्यादा आज नुकसान हुआ। ये वीडियो उनके लिए है कि मेरे भाई, आप इसको आंखें बंद करके मल्टीप्लाई कर दें, इसको सस्ते दामों ना दें, मल्टीप्लाई 8, वही पुरानी बातें, वही पुराना फार्मूला, मल्टीप्लाई 8। आज अगर एक बंदे का 1 टन है तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 टन आ जाएगा उसके पास माल, 1 टन 1,000 किलो आज उसके पास, मल्टीप्लाई 8 तो 8,000 आ गया। आज अगर वो मंडी में बेचता है, फर्ज करें 250 रुपये, 250 रुपये, जो लोग कह रहे हैं जी 250-300 बिक रहा है, मैं कहता हूँ इसी रेट पर लगा लें, 300 लगा लें, 250 लगा लें। तो अगर वो आज बेचता है तो आज तो फिर उसको नुकसान है, आज तो समझ लें कि बिल्कुल ही जीरो पे चला गया। लेकिन अगर वो अगले साल 8 टन बेचेगा मंडी में तो अगले साल भी इसी रेट पर बिकेगा। अगर अगले साल वो आज अगर 1 टन बेचेगा 250 में तो वो तो 2,50,000 रुपये बना, उसकी क्या वैल्यू है? वो तो जमीन का ठेका नहीं पूरा होता जो उसने सीड लिया। 400 केजी भी अगर सीड लगाया 15,000 के हिसाब से 60 लाख का सीड है, 10 लाख बाकी कर दिया सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ डाल के, तो 70 लाख रुपया उस बंदे को आप 2,50,000 रुपया मिलेगा, तो वो रोएगा ही, चीखेगा, वो यही कहेगा ये स्कैम है, इसके करीब ना जाए। हालांकि उसके साथ फ्रॉड किया है जिस बंदे ने जीवन बेचा था उसने, और कुछ इसकी अपनी गलतफहमी। दूसरी बात ये, अगर यही वो 8 टन अगले साल बेचता है 250 के हिसाब से तो उसको 20 लाख वापस आता है, यानी उसके लॉस का 25% जो है राउंड अबाउट उसको रिवर्स मिल जाता है, 25-30%। दूसरी बात यह है कि ये इंतहाई अहम चीज़, अगर वो अगले साल भी इसको मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने यह बात भी कही कि हमारे पास ज़मीन नहीं है नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए, कुछ ने यह कहा कि हमारे पास खर्चा भी नहीं है नेक्स्ट ईयर लगाने के लिए। सिंपल बात है कि मुझे बहुत सारी कार्स ऐसी आई हैं जो जीवन लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है सील के। तो इस तरह की आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मिलके लगा रहे हैं, जो पता कहता है ना मैं 250 रुपये बेचना चाहता हूँ, नुकसान है लेकिन मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, लगा भी नहीं सकता, करूँ क्या, फंस गया हूँ, 1 टन माल पड़ा है, क्या करूँ, मंडी ले लूँ? बिल्कुल मंडी ना लेके जाए। वो अगर 50% शेयरिंग पे किसी किसान को दे दे, उसकी ज़मीन है, वो देखभाल भी कर लेगा, और जो इसका मल्टीप्लाई 8 जब आएगा तो उसका मल्टीप्लाई 8 में 50% दोनों अगर ले जाते हैं 50-50 में, तो 4,000 केजी एक पार्टी को आ गया, 4 दूसरे को आ गया, उसको 4 टन मिल गया। आज अगर वो 250 में सेल करता है, इसका मतलब ये है कि उसने 250 में नहीं किया, 250 में अगर अगले साल करेगा तो उसको 4 टन का 10,00,000 रुपया मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हौसले के साथ, ठीक है, सब्र के साथ, और ये आपका नुकसान इंशाल्लाह जीवन में ही पूरा हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इसको स्किप करेंगे तो फिर आपका नुकसान है। और जो नया फार्मर है
उसके लिए इस टाइम गोल्डन चांस है कि सस्ता सीड है, सीड ले और लगाए बिस्मिल्लाह करें बस। अगर किसी नए फार्मर ने लेना हो तो क्या तरीका कार है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0334 71 84 984। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बराबर।